अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स, हेलो एंड वेलकम टू द गली क्रिकेट शो। मैं हूं शायान और मेरे साथ हैं शहरयार, एंड टुडे वी हैव अ स्पेशल एपिसोड विद अर्शद सिंह। ही जॉइंड अस प्रीवियसली बिफोर एट ऑस्ट्रेलिया का जो टूर हुआ था, हमने उस पर थोड़ा मिलकर बातचीत की थी कि इंडिया और पाकिस्तान की क्या सक्सेस रेट्स हैं एंड क्या सक्सेस फैक्टर्स हैं इन ऑस्ट्रेलिया। तो आज के एपिसोड पे हम लोग डिस्कस करेंगे सब कॉन्टिनेंट जायंट्स के फर्स्ट गेम्स। इंडिया विल बी फेसिंग अगेंस्ट आयरलैंड, पाकिस्तान विल बी फेसिंग अगेंस्ट US, जो जिन्होंने अपना पहला गेम क्या कहते हैं कनाडा को हराया क्वाइट कन्विंसिंगली। एरन जोन्स वॉज स्पेक्टैक्युलर, 10 sixes अक्रॉस, मतलब ऐसी कोई कोई वाहियात हिटिंग थी ना वो, मतलब बंदा बोले कि यार ये कैसे कैसे छक्के छक्के मार रहा है, और ग्राउंड भी काफ़ी छोटे लग रहे थे। बट खैर, तो स्टार्ट करते हैं इंडिया वर्सेस आयरलैंड गेम। आयरलैंड इज कमिंग ऑफ अवे नाइस कॉन्फिडेंस बूस्टर्स सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान। काफ़ी क्लोज गेम्स गए थे अगेंस्ट पाकिस्तान, दे स्कोर्ड ओवर 160-170+, बीट इन पाकिस्तान इन द फर्स्ट गेम। काफ़ी क्लोज गए बाकी दो गेम्स, तो आयरलैंड का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई रहेगा आई थिंक इन माई ओपिनियन। On the other hand, India is coming off of a fresh IPL. A lot of the players that are in the team are rewarded of the IPL performances. Apart from Hardik Pandya and Rohit Sharma, jinki individual performances weren't up to par. But overall, hum log thodi baat karenge India ki squad ke baare mein, and then transition into the India versus Ireland game. So Archit, agar aapse start kiya jaye. Overall thoughts on the Indian squad? क्या तबसर आते हैं? कौन मिस आउट हुआ? Did you think this was the expected squad for India? I think मोटा मोटा तो this was the expected squad कि जो सोचे थे वही थे, and if you add the three reserves तो यही limelight में लोग थे जो select हो सकते थे. So इसमें कोई as such miss out नहीं हुआ है देखा जाए तो. कुछ लेफ्ट फील्ड इंक्लूजन थे जो कर सकते थे वो, कि बॉलिंग में अगर कोई और लेफ्ट आर्म पेसर ले आते, या मिस्ट्री स्पिनर हम पहले एक बार वरुण को लेके गए थे, उसको नहीं, आई गेस ही प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान इन 21 वर्ल्ड कप. सो वो सारे इंक्लूजन छोड़ करके आई डोंट रियली थिंक, आई थिंक दिस वॉज द एक्सपेक्टेड स्क्वाड. हाँ, 18 तो यही थे, इसमें से 15 में थोड़ा रिंकू सिंह था जो डिजर्व करता था लेकिन उसको मौका नहीं मिला. But I somehow feel उसको कैरी कर रहे हैं. ये गिल था, गिल स्कोर 900 प्लस रन्स इन लास्ट आईपीएल जो पिछला वाला था. तो दीज वर द ओनली गाइज जो थे, एंड दिस इज कूडोस टू रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़. एक्चुअली विद एवरीथिंग अराउंड उन्होंने ये काम अच्छा किया कि आई थिंक ये पहले से पता था कि ये हमारे कुछ 20 लोगों का स्लॉट है, लॉट है, उसी में से हमको सिलेक्ट करना है. उन्होंने लगभग लगभग वही किया. इसमें डिबेट जो खाली बनती थी वो ये बनती थी कि शायद आप एक कीपर को रिजर्व में डाल लेते और रिंकू सिंह को आप अंदर ले आते एज अ बैट्समैन. दैट वाज प्रोबब्ली द ओनली रियल चेंज जो आप कर सकते थे. लेकिन 18 के 18 ट्रैवल कर रहे हैं, पता नहीं कौन कब इंजर्ड हो जाए, किसकी कब जरूरत पड़े, कुछ नहीं पता. रोहित शर्मा ने अपने क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि किसी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वेस्ट इंडीज पहुंच के दूंगा. अब लोग सोच रहे हैं कि यूएस में क्या तरंगी करने वाले हैं, वहां क्या करेंगे. तो ऐसा है, तो दिस इज देयर. उसमें तो स्क्वाड ओवरऑल एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, नो रियल सरप्राइजेस. सरप्राइज जो एक्चुअल था वो ये था जब उन्होंने आई थिंक एक साल पहले हार्दिक पांड्या को दे मेड कैप्टन, और ऐसा लगा कि अब सब फ्यूचरिस्टिक होगा, अब हम 2007 की तरह सारे नए लॉन्डे लेके पहुंचेंगे वर्ल्ड कप खेलने और देखेंगे क्या होता है. ठीक है, इट विल बी फन. तो उसमें वो होता तो शायद आईपीएल से एक दो लोग और आ जाते. रियान पर आ गए, अभी लड़का आ रहा है वो, उसने काफी अच्छी हिटिंग करी है. उसके बाद हमारा अभिषेक शर्मा, तो अब ये जोक बन गया है कि गलत शर्मा जी का बेटा सिलेक्ट कर लिया इन्होंने, रोहित शर्मा के जो अभिषेक शर्मा करना था कि भाई वही तो मार रहे तुमको. ठीक है, पैट कमिंस और ट्रेविस हेड ने सब सिखाया उसको क्या करना चाहिए. सो दोज आर द फ्यू थिंग्स जो प्लेयर्स जो शायद हो जाते सिलेक्ट हो जाते अगर हार्दिक पांड्या कैप्टन होते तो. लेकिन फिर हार्दिक पांड्या आई थिंक जब 23 वर्ल्ड कप में ही गॉट इंजर्ड,
और वो जो इंजरी हुई उसके बाद थिंग्स हैव टर्न्ड अराउंड फॉर हिम प्रिटी बैड। तो एक तो कैप्टनसी चली गई, दे वर नॉट श्योर कि भाई फिटनेस लेवल क्या है, एंड देन द मोमेंट दे मेड रोहित शर्मा कैप्टन, कोहली हैज टू बी देयर, ठीक है, फॉर ऑब्वियस रीजंस। अब देन इट इज रोहित शर्मा टीम, एंड रोहित शर्मा हैज बीन नोन टू सिलेक्ट हिज प्लेयर्स। मतलब वो और द्रविड़ आर जनरली ऑन द सेम पेज विद व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी दे हैव टू गो इन। तो मोटा मोटा यही है, बट नथिंग नथिंग आउट ऑफ द ब्लू। आई थिंक दिस वाज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस, और वैसा का वैसा हुआ। मजेदार चीज होने वाली है ओपनिंग के साथ। शर्मा और द्रविड़ को छोड़ के किसी को नहीं पता कौन ओपन करेगा, नो बडी हैज अ क्लू। मतलब कोई ये बता दे क्या होने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता। देयर वार्म अप गेम दे ओपन्ड विद संजू सैमसन एंड रोहित शर्मा। जायसवाल ऐसा लग रहा था कि 100% स्टार्टर है, तो उसको तो गेम ही नहीं मिला। और अदर ऑप्शन फॉर ओपनिंग वाज विराट कोहली, और वो भाई साहब देश में ही नहीं थे तब शायद, या ही जस्ट लैंडेड और समथिंग जस्ट लाइक दैट, लैंडेड जस्ट लैंडेड और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो भाई ये चीज चल रहा है अभी इंडियन क्रिकेट टीम के साथ। मतलब दोनों मुल्क जितने भी डिफरेंट हो, दोनों मुल्क में नहीं एक ही प्रॉब्लम चल रही है कि भाई ओपन कौन करेगा, कैप्टनसी कौन लेने वाला है, किसकी फिटनेस कितनी पानी में, इस दोनों मुल्कों में ये चल रहा है अभी मैं अभी मैंने मैच देखा तो बाबर रिजवान ओपन कर रहे थे और बाबर आजम कैप्टन है। मैं कहा भाई हाथ धो गए तुम्हारी, मतलब अभी यहीं से शुरू हुए थे कि ये तो नहीं करना, वी विल डू एवरीथिंग बट दिस, एंड कम द वर्ल्ड कप एंड यू आर डूइंग एग्जैक्टली दैट। सो अरे उसमें यस मसला ये हुआ ना कि व्हाट दे वांटेड टू डू डिड नॉट पे ऑफ। जो जो टेम्पलेट लेके चले थे ना, वो टेम्पलेट कहीं ब्रेक हो गया था। सैम अयूब सायम अय्यूब भाई ना जिस उस पे आए थे ना, वो लैडर चढ़ नहीं सके वो। बट खैर, जैसे अभी अर्षद ने बात की कैप्टनसी के बारे में, सिमिलर एपिसोड इन पाकिस्तान, शाहीन को मनाया गया कि नए लौंडे PSL के लौंडे जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने, और फिर एंड में ये हुआ कि बाबर आजम भाई वापस आ गए, और फिर उन्होंने वही अपने लड़के लेकर आए हैं। आप दोस्ती यारी कह लें, जो भी कह लें, बट हिज सेट ऑफ प्लेयर्स आर देयर। तो वो से बात नहीं, आई थिंक आप उससे भी पीछे जाए ना, शादाब के टाइम से स्टार्ट करें ना आप। वो शादाब को तो पूरी सीरीज दे दी थी उन्होंने कि भाई ये PSL का ऐसा है। अफगानिस्तान हाँ, के गया उन्होंने कहा भाई हमारे यंग बच्चे हैं, ये फाड़ फोड़ कर आएंगे, वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट ही सीरीज हार कर आ गए। तो उन्होंने कहा भाई ब्रेके लगाओ, वापस लेकर आओ। खैर, अभी जोक्स अपार्ट, बात वही है कि हमारे यहाँ असल में ना इन चीज़ों को हम जो प्लान करते हैं ना, हम समझते हैं बस कि वो इंस्टेंट मैगी नूडल्स की तरह जो है ना 2 मिनट में 3 मिनट में बन जाए। इनको ये काम होते हैं लंबे, इनको टाइम चाहिए होता है और इनको मेच्योर होने में टाइम लगता है। आप एक तो टाइमिंग अलग सेलेक्ट करते हैं, आपको पता है कि 1 साल में वर्ल्ड कप है या 1.5 साल में वर्ल्ड कप है, आपको चुल होती है, आप आगे चीज़ें चेंज करना शुरू करते हैं, वो पे ऑफ नहीं करती, फिर आप वापस आ जाते हैं, नहीं यार ये सही था, इसको दोबारा से रीइंस्टेट करो या वो लड़कों को वापस लेकर आओ। तो ये मसले मसाइल हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट के, अनफॉर्चुनेटली मसले हैं। अगर आप बांग्लादेश में देखें, वो हमसे भी 2 हाथ आगे, वो आज तक वो समझ में नहीं आया उनको कि वो तमीम को रिटायर करना है या प्लेयर खिलाना है या बाहर बैठाना है, कोच बनाना है, क्या करना है, वो बेचारा किसी ना किसी तरह करके वापस आ जाता। शाकिब का इज भी देर यही इन द मसला है। स्क्वाड, अभी है वो स्क्वाड में? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं आखिर में उनका उन्होंने बात नहीं मानी मुझे लग रहा उनकी। नहीं, उनका था कि यार मैं आ रहा हूँ, फिर गया मैं नहीं आ रहा, फिर उनका आया कि मैं आ रहा हूँ, फिर वो नहीं आया, फिर शेख हसीना ने रिक्वेस्ट की कि यार आप आ जाए, वो आए एक मैच खेला फिर रिटायर हो गए। वो शायद अफरीदी प्रो मैक्स चल रहे हैं वो तो आई मीन वो मसले मसाइल जो है ना हमारे यहाँ के जरा डिफरेंट हैं। तो बट बात फिर वही आ जाती है कि आप जब जो है ना, आई मीन इन इंडिया इस केस, वो मुझे आई लुक्ड एट एस के यार के वो नए लड़कों को जो लेकर आए थे, दे वर ट्राइंग आउट के यार के कौन हमारा इन द प्लान्स रहेगा फॉर 2024 वर्ल्ड कप। वेस्ट इंडीज वाली जो सीरीज हुई थी उसके अंदर जो फॉर एग्जांपल संजू सैमसन की परफॉर्मेंसेस थी वो इतनी कोई अच्छी नहीं थी, और सबने बड़ा वो जो एक मशहूर एक हैशटैग चला था जस्टिस फॉर सैमसन, उसका काफ़ी मजाक भी उड़ा था, और ऐसा लग रहा था कि ही वॉन्ट बी एबल टू मेक द इन टू द स्क्वाड, मगर आईपीएल में उसने जिस तरह से परफॉर्म किया, एंड आई थिंक दैट दैट बेसिकली
प्लेड एज ए कैटलिस्ट फॉर हिम, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था केएल राहुल को बाहर देखना, कि यू नो जिस तरह से वो टीम से बाहर हुआ है, दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी. एंड एंड ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंसेस थी सैमसंग की, तो पंत ने जिस तरह से कम बैक किया है, दैट वॉज ऑल्सो वेरी यू नो एक्साइटिंग टू सी. तो इंटरेस्टिंग होगा देखना. क्वेश्चंस दोनों टीम्स के एक जैसे ही हैं. फॉर्मेशन क्या होगी, कौन से यू नो स्टार ऑटोमेटिक स्टार्टर्स हैं, किसको खिलाना है, अगर जायसवाल को ऊपर डालना है तो मिडिल ऑर्डर में किसको खिलाना है, फिर यू नो संजू खेलता है या पंत खेलता है, अगर कोहली से ओपन कराएंगे तो फिर नीचे कौन आएगा, यू नो. तो वो बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं जो कि आई एम श्योर के आयरलैंड के गेम में होपफुली जवाब मिल जाए, क्योंकि अब तो यूएस में भी आ गए अब जवाब मिलते हैं कि नहीं. नहीं, दिक्कत ये है कि वो जवाब मुझे ही लगता मिलेंगे, बिकॉज आई थिंक उनका जो मे बी पाकिस्तान गेम में उनका प्लान ए सामने आए, लेकिन डाउटफुल है काफी ज्यादा. प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम में राइट नाउ सरप्राइजिंगली दे आर ओनली टू स्लॉट्स विच आर कॉन्स्टेंट एंड दे आर नॉट 1 2 3. दे आर नंबर 6 हार्दिक पांड्या, नंबर 7 रविंद्र जडेजा एंड नंबर 9 या 10 आप बुमराह कह लें. अपार्ट फ्रॉम दैट मे बी रोहित शर्मा इज ओपनिंग 4. उसके सिवा किसी का स्लॉट एज सच फिक्स नहीं है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से, क्योंकि एक थॉट प्रोसेस पहले ये आ रहा था कि भाई रोहित एंड जायसवाल विल ओपन, कोहली 3, सूर्य कुमार 4, एंड देन एट 5 नाउ यू नीड अ कीपर. तो सैमसन या पंत आप जिसको भी खिलाने का है 5 पे कर ले, 6 7 मैंने बता दिया, पांड्या एंड जड्डू, और 8 प्रॉब्ली आपका कुलदीप, बुमराह डेफिनेटली प्ले, और आप सिराज या फिर उसको डाल लें, अर्शदीप को डाल लें. तो ये थोड़ा नंबर 8 का एक लगता है, उसमें उनको चाहिए तो वो अक्षर को खिला सकते हैं, लेकिन अब जडेजा अक्षर एक साथ, सो कैसी भी इंडिया की अब टीम बना ले, इट इज नॉट कंप्लीटली बैलेंस्ड अनलेस यू मेक कोहली एंड रोहित ओपन एंड यू ओपन अप स्लॉट्स इन द मिडिल ऑर्डर. फिर वो जो शिवम दुबे को लेके गए हैं कि स्पिनर्स को हम छक्के मारेंगे, वैसा कोई प्लेयर डाल लें. इशू उनके पास ये है कि 15 प्लेयर उनके पास अच्छे हैं, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू मेक देयर स्टार्टिंग 11. इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड. कुछ तो रोहित शर्मा सोच रहा है जो भाई दुनिया में किसी को नहीं पता, कि उसको और द्रविड़ को पता है कि क्या होने वाला है एंड नोबडी एल्स हैज एनी क्लू. कि कोहली डेफिनेटली इज गोइंग टू प्ले. इफ कोहली इज 3 देन सूर्या सूर्या प्लेज, कोहली प्लेज, रोहित शर्मा प्लेज. अब वो किस नंबर पे 1 2 3 हो रहे हैं नहीं पता. और आई गेस रोहित शर्मा इन जनरल प्रैक्टिस गेम्स को जेन्युइनली प्रैक्टिस गेम्स की तरह दिखते हैं. द टीम ही प्लेज, वो क्या सीक्वेंस में खिलाते हैं क्या करते हैं किसी को कुछ नहीं पता. जायसवाल पहला गेम खेला नहीं, वार्म अप गेम अगेंस्ट बांग्लादेश, कुड वेरी वेल बी कि बीमार है, लेकिन अब पता नहीं चलेगा किसी को कि एक्चुअली हुआ क्या है. तो इंडियन टीम अब इतना आपको ट्रांसपेरेंसी दिखती नहीं है चीजों में कि पता चल जाएगा एक्चुअली हो क्या रहा है. सो वी विल सी व्हाट हैपेंस. आयरलैंड गेम में तो मैं हुई, न्यूयॉर्क में आई एम गोइंग टू सी द गेम, सो आई एम एक्साइटेड अबाउट इट कि वो क्या खिलाते हैं. बट अगेंस्ट आयरलैंड बड़ी बात नहीं है, लाइक शेरी सेड राइट, कि 4 स्पिनर उन्होंने सिलेक्ट कर लिए हैं. अब वो 4 स्पिनर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा भाई साहब, क्या क्या किसको खिलाएंगे. अब असल में प्रॉबेबली एक चीज़ ये भी है जी ना कि नैसा काउंटी जो स्टेडियम है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की डोपेंट पिचेस हैं, तो वहाँ पे यस स्पिन का वैसे ही इतना कोई रोल नहीं है. तो दैट इज समथिंग दैट दे आल्सो हैव टू कंसीडर एटलीस्ट इन दैट लेग. आई थिंक वो कर क्या रहे हैं कि हार्दिक पांड्या बोल्स एंड द 2 सीमर्स, सो दे हैव 3 सीमर्स ऑलरेडी. कुलदीप यादव आई गेस प्लेज ऑन ऑल द सर्फेसेस, मतलब बाय डिफॉल्ट उसको किसी भी सर्फेस पे दे हैव कॉन्फिडेंस कि वो हमारा प्राइमरी स्पिनर है. बात आती है एक और बोलर की, अब उसपे दे कैन प्ले समबडी लाइक अ शिवम दुबे या ऐसा कुछ, नहीं तो वो अक्षर पटेल को खिला लें कि प्रॉपर ऑलराउंडर अक्षर पटेल. सो इट्स गोइंग टू बी टफ एंड आई थिंक दे आर इंडिया इज बैंकिंग ऑन देयर बोलिंग
आई डोंट थिंक इंडिया इज गोइंग इन टू दिस टूर्नामेंट ऑन बैक ऑफ देयर बैटिंग. कि रोहित शर्मा वॉज नॉट इन फॉर्म, हार्दिक पांड्या वॉज नॉट इन फॉर्म, कोहली वॉज इन फॉर्म, बट अगेन कोहली का वही कि भाई इंडियन टीम मुझे देखना है 250 का बना दी है. आई डोंट थिंक दे आर मेड टू मेक 250 रन्स इन इन एन इनिंग्स. दे आर वेरी गुड प्लेयर्स व्हेन दे आर चेजिंग 160 ऑन टफ विकेट्स बिकॉज देयर बैट्समैनशिप इज गोइंग टू टेक देम थ्रू. कि टफ विकेट दे दो जहां पे बाकी टीम शायद 150 बनाए, हम 170 बना देंगे या हम 180 बना देंगे. बट द मोमेंट इट इज फ्लैट ट्रैक तो भाई फिर मेरी टीम है इंग्लैंड, ठीक है, और नहीं तो ऑस्ट्रेलिया का अगर ट्रैविस हेड चल गया तो. सो दीज आर देयर, बट इंडिया इज नॉट फेवरेट फॉर द वर्ल्ड कप हैंड्स डाउन. आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ दे डोंट मेक इट टू टॉप फोर. बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि टॉप फोर वो ना जा पाए. खाली उनके पास रियल पॉजिटिव ये है कि जब जो हमारा ग्रुप है इंडिया पाकिस्तान का, वो ग्रुप ही इतना हल्का है कि जिसमें इंडिया पाकिस्तान हैव टू गो थ्रू. दे आर नॉट गोइंग टू लूज टू क्या बोलते हैं हमारा आयरलैंड, कैनेडा और यूएसए. सो मुझे डर इस बात का है कि ऐसा ना हो कि आयरलैंड विन द टॉस, बैट फर्स्ट और बुमराह उनके मतलब ये कुछ 70-80 पे निपट में जाए. इट्स अ 10:30 AM स्टार्ट इन न्यूयॉर्क, इट्स अ मॉर्निंग गेम. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ डू दे एक्चुअली कोप अप विद विद इंडियाज बोलिंग. सो दिस इज देयर इंडिया का कॉम्बिनेशन इज डिफिकल्ट. आई मीन नोबडी कैन प्रिडिक्ट व्हाट आर दे गोइंग टू प्ले. I mean, these are big words. क्या आप कह रहे हो कि as Archit said कि India की batting for the first time is not their strongest suit going into the World Cup. And on top of that, मतलब every other international commentator जो भी अपने analysis देते हैं, they've all put India in top four. But what he's saying, it kind of makes sense. नहीं वो तो खैर उस पर तो बात करते हैं, मगर एक सवाल है अक्षत से. यार वो ये बताओ, आप लोग के स्क्वाड में कोई ऐसा बंदा है जो अगले 2-3 दिन में, 1 हफ्ते में जो है वो इंजर्ड होने के उसके चांसेस हैं? मुझे यही लग रहा है कि यूएस लेग के बाद कोई इंजर्ड होने वाला है. हमारे हमारे स्क्वाड में 1-2 बंदे होते हैं ऐसे ना, जिनको हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि हाँ यार ये इंजर्ड हो जाएगा. जरा सी भी टीम ऊपर नीचे हुई ना, ये इंजर्ड होगा और बाहर हो जाएगा. तो पता करना चाह रहा हूँ मैं कि इंडिया के स्क्वाड में भी कोई ऐसे प्लेयर है या सारे फिट है. और जो ट्रूली इंजर्ड हो सकता है वो भैया हम सब हाथ जोड़ के बैठे हैं कि ना हो, वो है हार्दिक पांड्या. जो ट्रूली इंजर्ड हो सकता है वो बहुत फ्रेजाइल प्लेयर है भाई हमारा, मतलब इंजर्ड ही हुए जा रहा है जब से मैं देख रहा हूँ. मतलब एट अ पॉइंट आई थिंक ही वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स प्राइमरी ऑलराउंडर्स, 3-4 होंगे उनमें से एक वो होगा, लेकिन एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम पता ही नहीं चलता कब बैक का इशू है, कब क्या इशू है, कैसा है. आई थिंक उसकी फिजिक हैज टू डू अ लॉट विद दीस इंजरीज. उसको आई मीन I could be totally wrong on this, but I feel like usko thoda sa na bulky hona padega. He needs to put some muscles on. Kyunki wo I guess kya kya hai usme ki wo pehle zamane mein kehte the na ki tez bowling ke liye apne aap ko patla karte rehte the log ki bhai you lose a lot of weight to become whippy and then quick. I think that is what he has done. Obviously genetics are there. पर वो वैसा नहीं है. ही इज नॉट लाइक अपना इंग्लैंड का लेफ्टी क्या कहते हैं ऑलराउंडर, हाउ कैन आई फॉरगेट हिज नेम मैन, अभी डेविड विली. नहीं 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 अभी खेल रहा है भाई, जिसने रिटायरमेंट लिया था वर्ल्ड कप के लिए वापस आया था, लेफ्टी मसल दिखता है, वो बॉलिंग करता है, जो भी करता है. इट इज हार्दिक पांड्या इज वेरी लीन, वेरी वायरी. तो उसका मैं उसको 2017 से देख रहा हूँ एंड आई डोंट सी एनी डिफरेंस इन हिज फिजिक. उसके सिर्फ हेयर स्टाइल चेंज होता रहते हैं, अदर देन दैट उस वो वैसी का वैसी दिखता है. आई मीन इवन आप कोहली को भी देखें तो कोहली की ट्रांजिशन या ट्रांसफॉर्मेशन हुई है फिजिक में भी. ठीक है कि वो पहले शायद उतना फिट नहीं था, अब काफी फिट है. या अब रोहित शर्मा पहले इतना बल्कि नहीं था, अब ज्यादा बल्कि नजर आता है. बट ये वैसी का वैसी ही है, इसमें कोई चेंज ही नहीं आया है. ये तो है, अब पता नहीं हाउ इज ही, बट ही हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ इंजरीज.
मतलब बैक का इश्यू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बॉल लग जाती है उसको, पैर पे उड़ जाता है उसका। सो यस, दैट ही इज एक्चुअली ट्रूली अ गाय हु कुड बी इंजर्ड। और मुझे लगता है रिंकू सिंह का पोजीशन हैज प्रॉबली गॉन बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उनको एक बैकअप चाहिए हार्दिक पंड्या का, सेम बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि शिवम दुबे है। नाउ दैट पोजीशन कुड हैव गॉन टू रिंकू, लेकिन अब रिंकू सिंह छोड़ के उसको मिल गया। रिंकू हैज डन नो रॉन्ग, मतलब इट फील सो बैड कि वो बंदा है नहीं। लेकिन रिंकू सिंह आ भी जरा खेलता कहां पे? चक्कर यह है कि इंडिया का प्लेइंग इलेवन प्रीवियस ईयर के वर्ल्ड कप से हार्डली चेंज हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं है। बॉलर सारे के सारे वही हैं, अर्शदीप खेला हुआ है, सिराज खेला हुआ, बुमराह, राइट, कुलदीप इज देयर, चहल इज देयर, सेम बॉलिंग अटैक। यस, दे आर फार बेटर। आई थिंक कुलदीप इज वन गाय हु हैज बिकम अ लॉट बेटर इन पास्ट 2 to 3 years, सो दैट विल मेक एन इम्पैक्ट, बट अदरवाइज इट इज द सेम। एंड बॉलिंग उनका ठीक ही रहता है, प्रॉब्लम हमारे बैटिंग का है। बैटिंग में भाई है ही नहीं, 250 बना दे। वो क्या कहते हैं, वो अभिषेक शर्मा आईपीएल में, वो फ्रेजर मैकगर्क आया ऑस्ट्रेलिया का, दिल्ली कैपिटल्स के लिए जो ओपन कर रहा है, भाई अंधा मार रहे हो तो वह टांग रखी, धाए 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 इधर उधर, कोई लाइन कोई लेंथ दे दो उनको। सो यू नीड दैट सॉर्ट ऑफ एन अटैक जो नहीं है इंडिया का बैटिंग में। ऑनेस्टली आई डोंट थिंक दे हैव दैट फायर पावर की 250 बना दे बट आई थिंक वो कल। इस वाले वर्ल्ड कप में आई थिंक 250 वाली बात होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसकी जिस तरह की कंडीशंस हैं अपार्ट फ्रॉम द यूएस पार्ट, क्योंकि ज़्यादा नई पिचेस हैं, छोटे ग्राउंड्स हैं, बट जो कैरिबियन का जो पार्ट होगा आई फील है कि वहाँ पे मिड टू लो स्कोरिंग गेम्स ही होने वाले हैं। ओके तो चलो, ओके आई गेट इट। डू यू हैव योर कंप्यूटर इन फ्रंट ऑफ यू? या आई डू वार्म अप गेम हुआ है वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया का, देखना कहां पे हुआ था। ओके ओवल में हुआ है, किंगस्टन ओवल जमैका में ना, हाँ वहाँ जमैका। हुआ है वो। हाँ जरा स्कोर क्या थे? अबे वो देखो वेस्ट इंडीज की टीम को ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ खिला रहे हैं, वो जब जोन में है ना वो, अच्छा वो उनको, दैट इज हाँ माय पॉइंट। वो जोन में होते हैं, उनको छोड़ दो वो, आप ओवरकास्ट कंडीशन में भी खिला देंगे ना, वो पेलने पर आएंगे, वो पेलना शुरू कर देंगे। वही टीम चाहिए ना, मतलब शरी हैज प्रूवन माय पॉइंट, राइट, इज प्रूवन एग्जैक्टली माय पॉइंट। इंडियन टीम नहीं कर रही फ्लैट ट्रैक पे भी कि भाई उनको तो शरीज पॉइंट है कि वेस्ट इंडीज की टीम इरेस्पेक्टिव ऑफ ट्रैक दे आर केपेबल ऑफ गोइंग बिग। और मैं कह रहा हूं इंडियन टीम इवन ऑन अ फ्लैट ट्रैक 250 नहीं बन रहा उनसे। यार वो देखो उसमें जो है ना साइकी का डिफरेंस है बहुत बड़ा। वेस्ट इंडीज की जो टीम है ना दे डोंट रियली हैव दैट वेट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑन देम, वो उनका बेसिकली हम लोग के एक लोकल में कहते हैं कि भाई वो चल गया तो चांद तक वरना शाम तक वाली कहानी है उनकी, ठीक है ना। और आई मीन नो बडी रियली केयर्स के वेस्ट इंडीज, आई मीन आई एम श्योर कि उनके लोकल फैंस को यू नो फील होता होगा, बट अब इन जनरल क्रिकेटिंग टर्म्स नो बडी रियली केयर के यू नो के वेस्ट इंडीज के ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है क्या हो रहा है, बट इंडिया का जो एक एक्सपेक्टेशन है ना, और जो उनसे एक उन उनकी जो एक क्या कहते हैं जो रेपुटेशन बनी हुई है उसके अंदर वो किक इन हो जाता है कि नहीं यार कि वी हैव टू यू नो विन द गेम और वी हैव टू विन दिस विन दैट, और वो उसकी वजह से समटाइम्स आप यू नो फॉल बैक करते हो या अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हो जस्ट बिकॉज के आपको एंड रिजल्ट का जो है ना वो ज़्यादा कंसर्न होता है एज कम्पेयर टू कि आप गेम किस तरह से खेल रहे हैं। सो इज इट एन इंडिया इशू और इज इट कोहली शर्मा इशू? यार आई फील लाइक खेला कि तो धोनी भी है। हाँ आई मीन आई फील लाइक, मगर फिर वही वाली बात है ना, उसमें आप अगर आप देखो तो धोनी वॉज समबडी के ही वॉज गार्डिंग हिज प्लेयर्स एंड टेकिंग ऑल द ब्लेम ऑन हिज सेल्फ, मुझे ऐसा लगता है कि ही वॉज मोर ऑफ अ गार्डियन टूवर्ड्स हिज टीम, राइट। कोहली हो गया या रोहित शर्मा हो गया, आई डोंट थिंक कि दे हैव दैट क्वालिटी के यार के बोलेंगे बस जैसा है आई विल डील विद द आउटसाइड नॉइस, यू गाइज डू वॉट एवर यू हैव टू डू, राइट। वो तो ये कहते हैं आउटसाइड नॉइज तो हमको बॉदर ही नहीं करती है अबे वो प्रेशर वो में, ये बस प्रेशर की बात होती है, वो बॉदर बॉदर क्या है, वो बहुत कुछ कर रही होती है वो बॉदर से ज्यादा कर रही होती है। प्रॉब्लम यही है कि जो क्या बोला जाए, आई विश
जितना टैलेंट इंडिया के बैट्समैन में एटलीस्ट इतना तो हम बोल ही सकते हैं, राइट। जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज हैं, 17 बॉल 50 क्यों नहीं आ रहे उतने सारे जो अभिषेक शर्मा ने बना के दिए उनको। अभिषेक शर्मा आईपीएल में बहुत यूनिक सा रिकॉर्ड है, कुछ तो आई थिंक उसका कुछ तो 300 का स्ट्राइक रेट है, 400 450 रन है विदाउट स्कोरिंग अस विदाउट फेसिंग मोर देन 35 या 36 बॉल्स इन एन इनिंग्स। कुछ ऐसा है कि भाई बॉलें उसने 50 नहीं खेली किसी इनिंग में, कितने लंबा खेली हो। सो यू नीड दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग जो बाकी टीम्स में आ जाता है। इंडियन टीम डज नॉट हैव दैट। आई एम नॉट सीइंग अ 17 बॉल 50 कमिंग फ्रॉम विराट कोहली। आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन। रोहित शर्मा मारता है ठीक है 25 26, लेकिन भाई वो तुमको चाहिए ना कि कोई तो आए ऐसा 15 बॉलों में 45 मारे। तो दैट दोस एलिमेंट्स आर मिसिंग। मतलब फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस आई डोंट थिंक इंडिया इज इन टॉप 4। पीपल से टॉप 4 बिकॉज दे हैव टू, दे आर ऑन सोशल मीडिया। हाउ डू यू, मतलब कोई मुझे प्रूव कर दे कि इंडिया टॉप 4 में आएगा, कैसे आएगा? कैन दे डिफेंड 145 विद द बोलिंग अटैक इफ द ट्रैक इज फ्लैट? नो दे के नॉट। ठीक है, व्हाट डिड पाकिस्तान डू टू देम? 153 for 0। ठीक है, कुछ नहीं कर पाया ना, एक विकेट नहीं ले पाए, तो कुड नॉट। सो दैट्स नॉट योर फोर्टे। योर फोर्टे इज नॉट तुम कितने भी रन बना दो हम चेस कर देंगे। नो इट्स नॉट, यू दे के नॉट चेस 250। ठीक है, बाकी टीमें इनमें से कुछ तो ला रही है टेबल पे, कुछ तो ऐसा रहेगा कि हम कुछ कर देंगे। तो आई मे बी आई एम अ नेगेटिव इंडियन फैन कि मतलब क्या बोलते हैं वो 19 नवंबर के बाद मेरे सारे पर्सपेक्टिव चेंज हो गए लाइफ में। बिल्कुल हो सकता है, मैं डिनाई नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन इंडिया वर्सेस आयरलैंड, आई थिंक आयरलैंड अगर 180 बना ठीक है तो इंडिया चेस कर जाएगा शायद कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस में। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू लूज दैट गेम। बात सारी आती है कि अभी इंडिया क्या बोलते हैं सबको तो हरा देगा, आयरलैंड कनाडा यूएसए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अगेन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जिसमें कि इंडिया इज सपोजिटली अ हायर सीडेड टीम तो दे शुड डिफीट पाकिस्तान, बट कैन दे? अब ये भी चीज चेंज हो गई है, अब तो मौका मौका भी नहीं रह गया कि हाँ हरा ही देंगे, नहीं, एनीथिंग कैन हैपन, राइट? सो आई डोंट सी देम एज स्ट्रेट फॉरवर्ड विनर्स। आई मीन क्लासन मारने पे आ गया तो रोक लेंगे क्या क्लासन को? आई वॉन्ट टू सी। सो अब वेस्ट इंडीज में भी एवरी वन इज गिविंग दिस लॉजिक कि भाई वेस्ट इंडीज की पिचेस आर गोइंग टू बी स्लो, लेकिन वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए तो 250 बनाया है वार्म अप गेम में, और ऑस्ट्रेलिया के 9 प्लेयर थे, और नौ उनके प्लेयर ने कोच खुद और को वो कैप्टन क्या कोच और कौन आ गया था फील्डिंग करने? हाँ हाँ फील्डिंग करने आ रहे। ठीक है, तो वो 9 प्लेयर से उन्होंने कितना भूसा भर दिया उन्होंने। ठीक है, मजे में भी जी गए 220, बट इंडिया के साथ यू हार्डली सी दोज गेम्स। एक बार ऐसे गेम हुए हैं फ्लोरिडा में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज कि 250 बन गए उन्होंने, इंडिया ऑलमोस्ट चेज्ड इट डाउन, बट अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। और आर पूल इज नॉट दैट ग्रेट। मतलब हाँ, वो सबको पता है पूल क्यों बना है, बिकॉज उनको पैसा चाहिए तो यूएस कनाडा का मैच चाहिए, पाकिस्तान कनाडा का मैच चाहिए, पाकिस्तान यूएसए का मैच चाहिए, इंडिया यूएसए मैच चाहिए, और इंडिया पाकिस्तान तो ऑब्वियसली चाहिए। सो ये ऐसे बना है पूल उनका। ये है, सो दिस इज देयर। तो अगर आप देखें तो आयरलैंड वाले गेम में इंडिया की क्या स्टार्टिंग लाइन बनती है? आई मीन लेट्स ट्राई टू मतलब वर्क विद व्हाट वी हैव। ओके, तो रोहित शर्मा वॉक्स इन, राइट? रोहित शर्मा वॉक्स इन। अब सवाल बनता है कि आप विराट कोहली से ओपन करवाते हैं या संजू सैमसन से ओपन कराते हैं या नहीं, सैमसन जयसवाल इज आता है? नॉट एन ओपनर। आई थिंक क्वेश्चन इज वी आइदर गो विद जयसवाल और विद कोहली। जयसवाल डिड नॉट प्ले द वार्म अप, तो भाई आम क्लब क्रिकेटर लॉजिक सेज कि जयसवाल इज नॉट प्लेइंग, तो लेट्स से कोहली एंड रोहित शर्मा ओपन। ठीक है, एंड दैट ओपन्स अप अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर देम। एंड कोहली हैज बीन ओपनिंग इन आईपीएल, शर्मा हैज बीन ओपनिंग इन आईपीएल, सो फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव दे कैन ओपन। नंबर 3 इज यू कैन, इफ यू वांट अ लेफ्टी इन यू कैन हैव पंत। So you do not see Rohit Sharma, Jaiswal and Kohli
टुगेदर, यू सी आइदर कोहली एंड शर्मा या आई टेल यू कोहली अ एंड रीजन जसवाल। बिहाइंड इट, ओके आई टेल यू अ रीजन बिहाइंड इट। देखो, 6 पे हार्दिक पांड्या इज गोइंग टू बी देयर एंड यू नीड टू प्ले अ कीपर, ठीक है? तो टॉप 5 में एक तो कीपर स्लॉट ले गया, और हमारा कोई कीपर ओपनिंग नहीं करता अनलेस वी फोर्स सैमसन और पंत टू ओपन, ठीक है? तो या तो तुम ऐसा कर रहे हो कि रोहित शर्मा एंड ऋषभ पंत ओपन, लेफ्टी राइटी ओपनिंग मुझे यहां से मिल रही है, वन डाउन मेरे पास कोहली आ रहा है, उसके बाद 4 पे सूर्य कुमार यादव आ रहा है, 5 का स्लॉट इज खाली, वेर नाउ आई कैन प्ले अराउंड एंड पुट इन अ शिवम दुबे कि मेरे को लेफ्टी हार्ड हिटिंग बैट्समैन चाहिए। सो आई हैव पंत लेफ्टी, देन आई हैव शिवम दुबे लेफ्टी, देन आई हैव जड्डूज लेफ्टी, सो आई हैव 3 लेफ्टी इन माई टॉप 7, आई गेस दैट शुड बी इनफ। और देन हार्दिक पांड्या ऑनवर्ड्स इट इज सेम, बॉलिंग में दे कैन दे विल क्या बोलते हैं, तो हमारा टॉप ऑर्डर लगभग सेट हो गया, राइट? इफ आई एम गोइंग विद पंत, तो शर्मा पंत, कोहली, सूर्य कुमार यादव 4, शिवम दुबे 5, 6 पे हमारा हार्दिक पांड्या, 7 पे रविंद्र जडेजा, 8 इज अ ब्यूटिफुल स्लॉट, आई टेल यू व्हाई इन अ मोमेंट, 9, 10, 11 आर कुलदीप यादव, अर्शदीप एंड बुमराह। नाउ 8, यू कैन इफ यू अगेंस्ट वीकर ऑपोजिशंस दे माइट जस्ट प्ले चहल, एंड देन यू हैव 2 प्रॉपर रिस्ट स्पिनर्स, यू हैव 2 प्रॉपर पेस बोलर्स, देन यू हैव जडेजा एंड यू हैव हार्दिक पांड्या एंड यू हैव शिवम दुबे एज ऑप्शन, सो यू गेट दोज। अब इसमें अगर आपको शिवम दुबे को नहीं खिलाना है तो आप वहां पे संजू सैमसन डाल सकते हो 5 नंबर पे, और 8 नंबर पे इंस्टेड ऑफ कुलदीप या इंस्टेड ऑफ चहल यू कैन हैव अक्षर पटेल एज एन ऑलराउंडर। तो या तो आप उधर बैटिंग ले लो, नहीं तो आप इधर ला सकते हो, यू कैन मिक्स एंड मैच एंड सी व्हाट यू वांट टू डू। सो दिस इज अ मेकअप, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट इवन फॉर एन आर्डेंट इंडियन फैन लाइक मी टू टेल यू कि भाई हमारी 11 क्या है। अनलाइक द क्रिकेट वर्ल्ड कप, जब 50 ओवर वर्ल्ड कप था, इंडिया का 11 वाज सेट, या तो उनका ये 11 होगा, इसमें आप हार्दिक पांड्या को निकाल दो तो ये 11 होगा, दोज आर द 2 ऑप्शंस फॉर अस। इसमें दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, दे रियली डू। और मजे की बात क्या है कि व्हेन शिवम दुबे गॉट सिलेक्टेड, उसने बोला कि भाई मुझे जनवरी में ही रोहित शर्मा ने साउंड ऑफ कर दिया था कि यू आर प्लेइंग। तो इफ यू गो बैक टू देयर थिंकिंग बैट इन जनवरी, तो जनवरी में दे वर क्लियर कि भाई ऐसा होने वाला है, और आई गेस दे वर जस्ट वेटिंग फॉर ऋषभ पंत टू बी रेडी। द मोमेंट पंत वॉज रेडी, ही वॉक्स इन टू द टीम, और भाई वो अतरंगी प्लेयर है और दिलेर प्लेयर है, हमारे बहुत गिने चुने प्लेयर हैं, जो भाई हार्दिक पांडे एंड ऋषभ पंत वो डरते नहीं है। मतलब मैं तो पंत के बारे में कहता हूँ, पंत कहता है पहले तू आ 2 छक्के खाओ, उसके बाद अपन देखेंगे सरफेस क्या है, मैच सिचुएशन क्या है, ग्राउंड कंडीशन क्या है, वो सब बाद में देखेंगे, फर्स्ट लेट मी कम एंड अटैक यू। सो दिस लुक्स टू बी द टीम, बट अगेन ओपनिंग में इंस्टेड ऑफ पंत यू टेक पंत आउट, यू कैन पुट यशस्वी जायसवाल इन फॉर ओपनिंग, एंड देन यू संजू सैमसन इज ऑलरेडी देयर फॉर कीपिंग। सो उन्होंने ऑप्शंस एक्चुअली सोच समझ के खूब सारे रखे, इसमें बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हो आप, ये चीज है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट मैन, वेरी डिफिकल्ट टू से स्टार्टिंग 11, बट इफ यू आस्क अर्चित सिंह स्टार्टिंग 11, देन आई वुड से ओके, लेट रोहित शर्मा, ऋषभ पंत ओपन, कोहली नंबर 3, सूर्य कुमार नंबर 4, शिवम दुबे नंबर 5, हार्दिक पांड्या नंबर 6, जडेजा नंबर 7, देन आई वुड हैव चहल 8, कुलदीप 9, अर्शदीप एंड बुमराह, दैट्स योर प्लेइंग 11, एंड लेट्स सी कि 5 तारीख को मैं कितना एक्यूरेट रहता हूँ, क्या होता है इसमें। But sounds like a very versatile 11, and I mean यस it's it एंड offers, I think given India's squad, it offers them quite a lot of flexibility with what they want. यस इट डज। तो I think that's probably a good starting point. Or given Ireland's current form, India would want to start off with a win. Win कितनी भी
कैसी भी टीम के खिलाफ हो, विन्स अ या विन, इट्स इट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस। ट्रू। तो अगर पाकिस्तान पे थोड़ा ट्रांजिशन करें, पाकिस्तान इज गोइंग टू बी प्लेइंग अगेंस्ट यूएस। यूएस हैज वन देयर फर्स्ट गेम, चेजिंग 197 इन डैलस। दे पाकिस्तान विल आल्सो बी प्लेइंग इन डैलस अगेंस्ट यूएस। तो शहरयार आप बताएं इनिशियल थॉट्स। हमने कुछ प्लेयर्स मैच विनर्स लिए हुए, कुछ की कुछ का कुछ समझ ही अच्छा, नहीं आता एक कि हो एक क्या क्वेश्चन रहा है मेरे पास, है। शहरी 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 के लिए क्वेश्चन है मेरे पास। मजा नहीं आता अगर समी असलम खेल रहा होता T20 टीम में यूएस की, बिकॉज आई रियली वांटेड उन्नो चंद टू प्ले फॉर क्लियरली बायस्ड एंड माय ओन एंटरटेनमेंट पर्पजेस। आई वांटेड उन्नो चंद की उसका सिलेक्शन हो, ठीक है, रुआ है, बट भाई अब वो यूएस टीम में भी नहीं आ सकता तो मेरे मन में कोई बैर नहीं है, वो इंडिया में नहीं खेला तो अभी ठीक है, क्या कर सकते हैं। नहीं, बट वैसे समी असलम जब यूएस गया था ना, तो उसने काफी बोला था कि पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ रहा ही नहीं ना मेरे लिए, मैं तो यूएस जाके खेलनी है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। किसी ने घास ही नहीं डाला समी असलम को यार। व्हाट इज दिस बिहेवियर। एंड आई थिंक समी असलम जो है वो शायद बाबर के अंडर खेला हुआ है, लाइक ही वॉज द कैप्टन बैक इन अंडर 19 जब समी असलम था। तो समी असलम, इमाम उलग, बाबर आजम, ये तीन, ये टॉप टॉप 3 था आपका इन पाकिस्तान अंडर 19। आई सो थिंक पाकिस्तान टीम 20 शेरी, व्हाट डू यू थिंक? यार, भाई वो इनिशियल टॉप रिएक्शन चार रही बताओ मुझे, खाली टॉप चार चाहिए मुझे पाकिस्तान टीम के। यार। टॉप 4 पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स वेरी प्रिडिक्टेबल राइट नाउ, अनलेस एंड अनटिल के मुझे लगता है कि साइम को जितना इन्होंने बैक किया है ना, आई एम प्रिटी श्योर कि दे विल गिव हिम अ चांस अगेन। और So you see him opening first game? आई सी हिम ओपनिंग जस्ट बिकॉज के ही इज देयर विद द टीम। उसको बैकिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैकिंग है, बाबर की भी है, एंड आई थिंक सम ऑफ द अदर सीनियर मेंबर्स। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट फॉर गेम्स लाइक यूएसए, कैनेडा, यू नो, ये इस तरह के गेम्स हैं कि उसको चांस मिलेगा। इज ही अ जेन्युइन टैलेंट और ये सिफारिश वाला प्लेयर है? आई मीन नहीं, आई मीन ही इज अ जेन्युइन टैलेंट, और प्रॉपर चैनल से आया, ये भी नहीं कि प्रॉपरली, क्योंकि ही प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक हमारे फैंस ने पहली बार उसको देखा था ऑन द बिग स्क्रीन्स इन PSL 6। इमर्जिंग प्लेयर खेला था, बुरी तरह फेल हुआ था। इट वॉज टू अर्ली फॉर हिम टू प्ले, यू नो, एट सच लेवल। PSL 7 में इसको किसी ने भी नहीं उठाया, नो बडी केयर्ड अबाउट हिम। और उसके बाद फिर PSL 8 में ये आता है, बाबर की टीम ने इसको उठाया, एंड ही, यू नो, परफॉर्म, यू नो, परफेक्ट, आई मीन, यू नो, ही डिड रियली वेल। बहुत अच्छा उसका स्टार्ट हुआ, बाबर के अंडर खेला, डिफरेंट पोजिशंस पे खेला, अच्छा खेला। तो यू नो, ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेट इज समथिंग के जहाँ पर आपको ना थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। एंड हमारी जो सब कॉन्टिनेंट की टीम्स हैं, पर्टिकुलरली पाकिस्तान में, क्योंकि इतनी हाइप क्रिएट कर दी जाती है कि भाई जी, हमें नया, हमें सईद अनवर मिल गया, हमें ये मिल गया, हमें वो मिल गया, तो वो जो एक एक्सपेक्टेशन आ जाती है ना, उसकी वजह से देखो, जब तक आपको फेलियर्स नहीं आएंगे ना, यू आप जब आप उस वक्त तक ग्रो नहीं करोगे, ठीक है। आप एक सर्टन लेवल की लेवल की क्रिकेट खेल के आप इंटरनेशनल में आ तो गए हो, बट इंटरनेशनल क्रिकेट इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम, ठीक है। आप ट्रू। वो ना, वो कोई भी आप लीग खेल के उसका एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। आप किसी भी टीम के अगेंस्ट जो है वो, उसको जब तक नहीं खेलोगे ना, चाहे वो आप उनकी BCDE टीम के अगेंस्ट खेलो, आपको वो इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना, वो डिफरेंट फ्लेवर देती है, डिफरेंट चैलेंजेस देती है। तो उसमें आप, जाहिर सी बात है, स्ट्रगल करोगे, शुरू का टाइम आपका स्ट्रगल में गुजरेगा, एंड देन यू विल लर्न एंड यू विल चेंज योर सेल्फ, और जो भी आपको एडजस्टमेंट्स करनी है। तो आई थिंक साइम अयूब अभी उस फेज से गुजर रहा है, जहाँ पे ही इज ट्राइंग टू लर्न के मुझे, यू नो, किस तरह से सर्वाइव करना है इंटरनेशनल क्रिकेट। तो बैक टू योर क्वेश्चन के जो टॉप 4 है, वो आई स्टिल सी रिजवान, साइम ओपनिंग, बाबर एट 1 डाउन एंड 2 डाउन फखर। देखो, बाबर का ओपन करना है ना, मैं हमेशा से ये बात, बहुत अरसे से ये बात करता आ रहा हूँ कि बाबर की बेस्ट नंबर जो है वो नंबर 3 है। इट्स इट्स
बेसिकली क्योंकि वो जो आपको एक बैलेंस चाहिए ना आपकी बैटिंग में, दैट ही प्रोवाइड्स एट नंबर थ्री. नंबर सक्सेसफुल है बाबर रिजवान, यू नो, ओपनिंग में सब कुछ है, मगर हमने टाइम एंड टाइम अगेन देखा है कि जब ये दोनों आउट हो जाते हैं ना, वो एक स्टेबिलिटी फैक्टर निकल जाता है. नीचे वालों को ऐसे लगता है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि खेलना कैसे है, क्या करना है, कि हमें किस तरह से मैच को फिनिश करना है या इनिंग्स बिल्ड करनी है, और ये चीज़ बहुत एविडेंट है. तो उस लिहाज से आई फील लाइक कि यू नो, बाबर शुड प्ले एट नंबर थ्री. रिजवान के साथ साइम को ओपन करनी चाहिए. अगर साइम इन इन यू नो अगेंस्ट USA नहीं चलता, और अगला गेम आपका इंडिया के साथ है, तो देन आप यू नो बाबर को इंडिया के अगेंस्ट ओपन करवा दो, जस्ट बिकॉज दैट हाइप ऑफ अ गेम, क्योंकि प्रेशर गेम है, उसमें हर किसी के लिए खेलना इतना आसान नहीं है. मगर आई फील है कि आप यू कैन स्टार्ट विद यू नो साइम प्लेइंग एट द टॉप. सो शेरी, विल इट नॉट बी अ नेगेटिव अप्रोच कि मतलब एक गेम दे करके ड्रॉप कर देना, इफ यू हैव टू, आई मीन जो उनका पाकिस्तान सॉरी पाकिस्तान का जो इंडिया के अगेंस्ट 11 खेलने वाला है, शुड दैट 11 नॉट प्ले एंड देन कंटिन्यू टू प्ले? मतलब दो चांसेस नहीं बनेंगे, नहीं इट्स बन, डिफिकल्ट राइट? मैं मतलब से भी ये बात कर रहा हूँ कि अगर वो नहीं खेल पाता, अगर वो उससे परफॉर्म ओके नहीं होता, इफ ही इज नॉट एबल टू स्कोर रन्स अगेंस्ट USA, देन यू कैन टेल के ही इज स्ट्रगलिंग एंड ही वोंट बी एबल टू प्ले, ही वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग अगेंस्ट इंडिया. देन अगर वो USA के अगेंस्ट नहीं कर पा रहा है, तो आप इंडिया के अगेंस्ट तो भूल जाओ ना फिर, क्योंकि आई एम नॉट सेइंग कि कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसको चैलेंज देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द क्रिकेट, मगर वो जो एक बज होती है, वो जो एक एक्सपेक्टेशन है, वो जो एक प्रेशर है ना, वो अच्छे अच्छों को नहीं उनसे नहीं होता. और आप जब फॉर्म में ही नहीं है, तो आपने क्या खाक उस चीज़ को डील करना है, हैंडल करना है. तो उससे बेहतर ये है कि देन यू गो बैक टू योर स्ट्रेंथ, या जो आपका एक टेस्टेड कॉम्बिनेशन है. बट USA के अगेंस्ट, आई मीन बाबर रिजवान को अगर आप खिलाओगे ना, तो फिर आप बाकी प्लेयर्स को मैच टाइम कब दोगे? मैं मेरा पॉइंट सब ओके ये है कि अगर ओके आपको साइम चाहिए इन CPL, आई मीन सॉरी इन कैरेबियन मैचेस, और आपने उसके राइट CPL के गेम्स को प्रेफरेंस दी है कि यार उसको CPL का एक्सपीरियंस है, तो आप उसको गेम टाइम कब दोगे? आप गेम टाइम क्या उसको सुपर एट में जाके दोगे जब आपकी वैसी लगी हुई होगी, यू नो? तो इस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि देन दे शुड स्टिक विद साइम. उसको एक एक दो मौके और दें एंड सी व्हाट ही डज. अगर नहीं होता, तो देन आपके पास से उसके बाद एक ऑप्शन, दो ऑप्शन बचते हैं. या तो आप बाबर को वापस ओपन पे लेकर आएं, या आप उस्मान खान को ओपन पे ट्राई करें. दैट्स द ओनली टू ऑप्शंस दे हैव लेफ्ट. उसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं है. सो शरी के लिए आई हैव टू क्वेश्चंस एंड दे आर यस एंड नो क्वेश्चंस। इसका एक्सप्लेनेशन अलाउड नहीं देना, ठीक है? इन पाकिस्तान टॉप फोर विच यू जस्ट सेड, इन चार में से प्योर ओपनर कौन है? या प्योर ओपनर तो फखर और बाबर हैं, क्योंकि ओके तो ये क्यों नहीं ओपन कर रहे? व्हाई इज फकर नॉट ओपनिंग? फखर इज नॉट ओपनिंग बिकॉज के हमें नंबर चार पे हमारे पास कोई प्लेयर ही नहीं खेलने वाला. दूसरा ये है कि रिजवान को फिट इन करना है टीम में. रिजवान को आप हिला नहीं सकते, क्योंकि ही इज बिन डूइंग वेल एज एन ओपनर, क्योंकि वो ओपनर नहीं है बट ही इज डूइंग वेल. तो और फिर अगर आपने एक और फिर स्टेटिस्टिकली जो है ना, फखर के नंबर्स एज एन ओपनर वर नॉट दैट ग्रेट. तो उसको जो ट्रांजिशन करवाई थी नंबर तीन नंबर चार पे, उसकी एक वजह ये भी थी कि ही वॉजन रियली डूइंग वेल इन T20s एज एन ओपनर. तो बट आइडियली यू नो मेरे हिसाब से द परफेक्ट ओपनिंग पेयर ऑफ पाकिस्तान कुड हैव इज फखर एंड बाबर. नहीं, एक पाकिस्तान में जो एक चैलेंज ये भी है ना कि जो मिडिल ऑर्डर का जो चैलेंज है, इट्स 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 वेरी बिग. आप अगर आपका टॉप थ्री फेल कर जाते हैं, अभी लास्ट गेम इंग्लैंड में ही हुआ ना, 59 for 1 थे, 140 क्या 140 कितना कटा, 153 पे लोग ऑल आउट हो गए थे, 154 पे लोग ऑल आउट हो गए थे. तो आपने अब आपने ये डिसाइड करना है कि जो आपने बैटिंग स्ट्रक्चर जो आपने स्ट्रक मतलब जो खड़ा करना है, उसमें ये करना है कि एक तो आपने लॉन्जेविटी देखनी है कि आपने पूरे 20 ओवर खेलने हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम में रन रेट क्वेश्चन में आएगा. रन रेट पे ही हम लोग क्वालिफाई करते हैं, रन रेट आपका क्वेश्चन में आएगा. तो आपने एक चीज़ आपने ये कवर करनी है कि आपने 20 ओवर खेलने हैं.
उसमें 20 ओवर का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो बाबर का नंबर 3 पे खेलना है। बाबर अगर पावर प्ले में आउट हो जाते हैं ना, तो वो फिर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की बैटिंग ऐसी हो जाती है कि इट्स जस्ट हाउस ऑफ कार्ड्स। वही बात है जैसे भैया ने पहले बोली, चल गए तो शाम तक वरना सॉरी चल गए तो चांद तक वरना शाम तक, ठीक है ना। तो ये एक है, और प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट हमारी जो स्क्वाड है ना, दिस इज द बेस्ट स्क्वाड पाकिस्तान कुड हैव सेलेक्टेड गिवन पाकिस्तान ने रिजर्व्स अनाउंस नहीं किए हैं। रिजर्व जो भी आएंगे वो काउंटी क्रिकेट से आएंगे, जो काउंटी खेलने भी इंग्लैंड में, वो भी अनाउंस नहीं किए इन्होंने। तो व्हाई सो उन्होंने रिजर्व्स मतलब काउंटी से पाकिस्तान ने क्यों? 15 अनाउंस किया है, 18 अनाउंस नहीं किया हाँ है, ठीक है। जो 18 जो जो 3 लड़के हैं ना जो रिजर्व में होंगे, वो बेसिकली दे विल चूज जो भी इंजर्ड होता है। लेट्स से सैम अयूब इंजर्ड हो जाता है, यानी लेट्स हाँ से कि आपके शादाब खान इंजर्ड हो जाता है, ठीक ठीक है, है तो ओसामा मीर इज प्लेइंग इन T20 ब्लास्ट, तो वो आ जाएगा वहां से। ओके 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 या शाहीन आफरीदी आउट हो जाता है, तो हसन अली इज प्लेइंग इन वाइटेलिटी ब्लास्ट, तो वो वहां से आ जाएगा। तो दे बेसिकली, अब क्योंकि पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन चल नहीं रहा है अभी, राइट, तो या राइट ग्रेड टू चल रही है अभी, तो दे बेसिकली वांट प्लेयर्स टू कीप इन, यू नो, मतलब गेम टाइम उन लोग का चलता रहे, मैच प्रैक्टिस चलती रहे, ताकि व्हेन दे कम इनटू दिस वर्ल्ड कप दे आर एटलीस्ट मैच रेडी। दैट इज द आइडिया दैट आई कैन अंडरस्टैंड। और फिर बट ये मेरा आइडिया है, बट जो हमारे चीफ सेलेक्टर ने जो आइडिया दिया है ना, वो ये दिया कि टिकट बच जाएगी। नहीं, और उसमें मजे की बात ही देखें आप के उसामा मीर का आपने जिक्र किया है, उसामा मीर का एनओसी कैंसिल कर दिया उन्होंने वाइटलिटी ब्लास्ट का। उसको वाइटलिटी ब्लास्ट खेलने जाना था, उसका एनओसी कैंसिल कर दिया उन्होंने। तो पाकिस्तान में जो है ना वो अजीब ही मसले मसाइल चल रहे हैं वो। अच्छा, ये खैर आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी ये बात, चेयरमैन साहब आए ना नए वाले हमारे, तो उन्होंने आके पहली जो ब्रीफ की टीम के साथ बैठे, उन्होंने कहा कि भाई जैसे होता है आप जब भी जाते हैं ना डीलरशिप वगैरह जाते हैं, तो सेल्स वाला बोलता है यार कि आपको कोई भी मसला हो ना ये मेरा नंबर है, कॉल कर लें, मैं आई विल मेक एवरीथिंग राइट। राइट, चेयरमैन ने बोल दिया कि भाई आपको कोई भी मसला हो ना, फिर आपके साथ कोई इनजस्टिस हो, अगर आपको कोई सेलेक्टर तंग करे या कुछ करे, तो दिस इज़ माई नंबर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। तो सामा मीर का जो है वो एनओसी कैंसिल हुआ, उन्होंने कॉल खड़का दी, उन्होंने कहा भाई ये क्या सीन है, आपने मुझे वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी सेलेक्ट नहीं किया, मेरे ये नंबर्स हैं और अब मेरा एनओसी भी आप कैंसिल कर रहे हैं, तो ये क्या मजाक है मेरे साथ ना। तो चेयरमैन ने कहा सर मैं भी देखता हूँ, आप टेंशन ना लें। उन्होंने जो है वो वहाँ पे जो सेलेक्टर पहुँचे मैं टीम के साथ, उनसे जाके उनको बुला लिया कि भाई ये क्या चल रहा है, वो प्लेयर की कॉल आई है मेरे पास। अब वो सेलेक्टर की हट गई, वो प्लेयर को कह रहे हैं कि भाई तुमने कॉल की कैसे। तो ये अच्छा, और ये सारे काम ना सेलेक्टर, अच्छा हमने पहली बार देखा है कि हमारे जो सेलेक्शन कमेटी के सेलेक्टर हैं वो टीम मैनेजमेंट के साथ, टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। मजे की बात देखें आप कि सेलेक्टर ऑन द गो चल रहे हैं, वो ना देख रहे हैं कि अभी क्या चल रहा है वहां पे। तो जनरली बिकॉज इंडियन टीम के साथ जब टूर कर रहे होते हैं तो एक सिलेक्टर जाता है, यहाँ पे तीन तीन है, यहाँ पे नहीं ऑल मोहम्मद यूसुफ सिलेक्टर्स आर भी है। ट्रैवलिंग। यहाँ पे ना एक सेलेक्टर है, उनके लिए नई पोजीशन बनाई सीनियर टीम मैनेजर की, तो उनको उसमें डाल दिया। तो एक, हाँ, फिर उसके साथ अब मोहम्मद यूसुफ भी सेलेक्टर है, वो मेरे ख्याल से शायद कोई बैटिंग कंसल्टेंट बन के पहुंच गए हैं, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। रजाक भाई की अभी तक कोई पोजीशन सामने आई नहीं है, मगर वो इंग्लैंड तो पहुंचे हुए थे, US पहुंचे हैं कि नहीं ये मुझे नहीं पता, मगर वो इंग्लैंड में थे, किस पोजीशन पे थे वो, एज अ सेलेक्टर थे क्या थे मुझे नहीं पता, मगर बाब रियाज और मोहम्मद यूसुफ जो है वो एक्चुअली टीम मैनेजमेंट का पार्ट है बीइंग अ सेलेक्टर। तो हमने तो नए एक्सपीरियंसेस किए हैं। खैर, इसके साथ साथ अगर चलें तो हमारी पाकिस्तान के लिए क्या स्टार्टिंग 11 बनती है? वी टॉक्ड अबाउट सैम अय्यूब, बाबर आजम, फखर जमान एंड सॉरी सैम अय्यूब रिजवान, बाबर आजम एंड फखर विल बी आर टॉप फोर। आई थिंक जो टीम इन्होंने इंग्लैंड में खिलाई है, इट्स गोइंग टू बी गिव और टेक मोर द सेम टीम। इफ्तिखार, इमाद, इमाद वसीम वापस आ जाएगा। आई डोंट थिंक ये लोग चार सीमर खिलाएंगे। डैलस में इनकरेजिंग साइंस दिखी हैं सीमर्स के खिलाफ,
बट आई जेन्यूनली थिंक कि दे विल गो विद नसीम शाह, मोहम्मद आमिर एंड शाहीन अफरीदी, सॉरी हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर एंड शाहीन अफरीदी विद इमाद वसीम एंड शादाब खान मेकिंग अप द स्पिन अटैक. दैट्स प्रेटी मच इट. आई डोंट थिंक के आजम मेरे ख्याल से खेलेगा. ही विल बी द विकेट कीपर बैटर. इमाद वापस आएगा. नसीम मुझे लग रहा है मैचेस मिस करेगा. आई थिंक आउट ऑफ द पेस अटैक दैट पाकिस्तान हैज़, आई थिंक उसमें सबसे ज़्यादा जो मैचेस कोई मिस करने वाला है वो नसीम शाह है, अनलेस के मोहम्मद आमिर की इंजरी वगैरह या फिटनेस के इश्यूज़ हों. इमाद आई थिंक उसकी मेरे ख्याल से अब फिटनेस ऐसी होगी कि ही विल बी एबल टू प्ले ऑल द गेम्स. तो ये मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग होगा देखें, क्योंकि उसके अलावा आपके पास, क्योंकि आपने रिजर्व अनाउंस किए में नहीं है, 15 का आपका स्क्वाड है और उसके अंदर आपके पास बैटिंग में अगर आप देखें तो सिर्फ उस्मान खान ही बाहर बैठा हुआ है. उसके अलावा और कोई एज सच बाहर बैठने वाला प्लेयर नहीं है जिसको आप बोलें कि हाँ इसको टीम में होना चाहिए. तो जो आपने इंग्लैंड की सीरीज में पाकिस्तान की टीम देखी है, आई डोंट थिंक कि जो टीम इन्होंने थर्ड T20 में या लास्ट T20 में जो खिलाई है, वो टीम मुझे नहीं लगता आपको उस तरह की टीम देखने को मिलेगी. इट विल बी मोर लाइक के जो सेकेंड T20 में देखने को मिली थी, जहाँ पर आपने इमाद भी खेला था, शादाब भी था, आजम भी था, इफ्तखार भी था. तो यही प्रेटी मच आपकी टीम है और यही आपके बेस्ट केस सिनेरियो है. इसके अलावा आपके पास और कोई फोर्स चेंज या कि आपकी और मजबूरी वाली अगर आपने कोई टीम खिलानी होगी तो वो बाहर से आएगी या वो बेंच से आएगी. अदरवाइज बेस्ट केस सिनेरियो आपको यही है कि आप ने जो टीम इंग्लैंड में खिलाई है वही वर्ल्ड कप में स्टार्ट करेगी. So, I have a question. कि do you see आजम खान गेटिंग अ गेम? मेरे हिसाब से उसको लेके इसीलिए गए हैं कि दे आर बैंकिंग हिम फॉर द मिडल ऑर्डर स्पॉट. 5-6 नंबर का जो स्पॉट है वो उस पे ही इज़ वेरी गुड अगेंस्ट स्पिनर्स स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग, तो वो उसको कैरी करेंगे जस्ट बिकॉज के CPL में जो है, सॉरी मैं बार बार CPL कह रहा हूँ, कैरेबियन में स्पिन हैवी अटैक देखने को मिल सकता है या स्पिनर्स के साथ ज़्यादा मिडल ओवर्स में अटैक देखा जा सकता है फ्रॉम द ऑपोजिशन. एंड आई थिंक ही इज़ द ओनली गाय इन पाकिस्तान स्क्वाड हु कैन डोमिनेट स्पिन. तो मुझे लग रहा है कि वो उसको खिलाएंगे चाहे वो परफॉर्म करे या ना करे. द ओनली रियल क्वेश्चन वुड बी कि वो उसके साथ वो बिहाइंड द स्टम्प्स चांस लेंगे या उसको फील्ड कराएंगे, क्योंकि जो कीपिंग के जो इश्यूज हमने देखे हैं उसके अभी तक, और रिजवान जैसा बेहतरीन कीपर होने के बावजूद भी वो फील्ड आउटफील्ड में, तो वो मेरे ख्याल से एक इशू बन सकता है. बट एज फार एज हिम नॉट प्लेइंग इन द प्लेइंग 11, आई डोंट थिंक दैट्स इवन अ क्वेश्चन. जैसे आपने शिवम दुबे को भेजा है ना छक्के मारने के लिए, ऐसे ही हमने आदम खान को भेजा छक्के मारने के लिए. अब वो अलग बात है कि वो बैट पे आ नहीं रही है पर बॉय, लेकिन आइडिया द आइडिया इज देयर कि भाई आपने जाके बस छक्के मारने. अब ये भी हमने देखने को मिला है हमें कि अपोनेंट्स आर स्मार्ट, देयर नॉट यू नो ही इज नॉट प्लेइंग CPL, ही इज नॉट प्लेइंग PSL. जब वो आता है बैटिंग पे, दे पुट ऑन अ सीमर. वो अंदर आने की वाली बॉल जो निप करके अंदर आती है, जो बाउंसर वाली बॉल है वो उस पर, बॉडी लाइन की जो बॉल है ना वो उस पर स्ट्रगल करता है. एंड दैट इज समथिंग दैट ही हैज़ टू वर्क ऑन. कितना टाइम है वर्क ऑन करने के लिए, इज इट द राइट टाइम टू ब्रिंग दैट अप, दीज आर द क्वेश्चन दैट ही हैज़ टू आंसर. गैरी क्रिश्चन इज द कोच, अकॉम्प्लिश कोच है, मोहम्मद यूसुफ इज देयर, तो ही हैज़ द टूल्स, ही हैज़ द रिसोर्सेज टू 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 बेटर हिमसेल्फ. अब टाइमिंग क्या बैठती है, दैट्स यू नो ही हिमसेल्फ कैन आंसर दैट क्वेश्चन, बट ये सिचुएशन बनती आ रही है अभी. सो आई एम श्योर ये क्वेश्चन ना पहले शो में डिस्कस हुआ होगा, पहले शोज में, बट आई वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन मेरे लिए कि डू यू अग्री विद आमिर एंड इमाद वसीम कमिंग बैक? डू यू लाइक दैट चेंज? इमाद वसीम, वर्थ? यस इमाद वसीम, यस. क्योंकि इमाद वसीम का जो इमाद वो जो इमाद वसीम जो ऑफर करता है ना, एक उसकी ही हैज़ द एबिलिटी टू अब्सॉर्ब प्रेशर. वो हाई प्रेशर सिचुएशन में वो परफॉर्म कर जाता है. ही हैज़ परफॉर्म इन द पास्ट.
रिजर्वेशन दैट आई हैव इज के ये दीज टू गाइज आर लाइबिलिटीज फिटनेस वाइज. आप उनकी फिटनेस ऐसी नहीं है कि आप उन पे पूरा का पूरा टूर्नामेंट प्लान करें. आप उनको लेके जाएंगे आप उनके साथ टूर्नामेंट प्लान नहीं कर सकते. इमाद वसीम अभी पीएसएल मार्च में ख़त्म हुआ है, राइट? बिगिनिंग मार्च में पीएसएल ख़त्म हुआ है. उसके कमबैक में ही इज प्लेड 5 to 6 games टोटल, ठीक है? 5 to 6 games में से उसने मुश्किल से 12 ओवर कराए हैं टोटल. ही इज परफॉर्मिंग इन द गेम्स दैट ही हैज प्लेड, बट गेम टाइम एंड द गेम इम्पैक्ट ही हैज़ इज़ वेरी लो. मतलब गेम टाइम उसको मिल रहा है तो वो 2 ओवर करा रहा है, या वो बैटिंग पे आ रहा है तो वो 10 बॉलिंग खेल रहा है. उसमें कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, बट इज इट कैन यू प्लान योर टीम अराउंड हिम? नो. सेम थिंग विद मोहम्मद आमिर. मोहम्मद आमिर ने ज़्यादा गेम खेले हैं बट उसकी परफॉर्मेंस इज़ नॉट देयर. वो इंग्लैंड में ऐसे मार खा रहा था जैसे कि वो मतलब PSL में बॉलिंग करा रहा हो. तो द लेवल इज नॉट देयर. एंड आई पर्सनली फील के मोहम्मद आमिर की जगह आप किसी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को रख सकते थे. मोहम्मद वसीम जूनियर हो गया, आमिर जमाल हो गया, दीज गाइज कुड हैव बीन देयर इंस्टेड ऑफ मोहम्मद आमिर. सो मोहम्मद आमिर की जगह आई कुड केयर लेस कि वो खेले या ना खेले. बट इमाद वसीम आई थिंक वो ही हैज समथिंग टू ऑफर. उसकी फिटनेस है जो आप कह सकते हैं कि वो डिसाइड करेगी कि वो कितना ऑफर कर सकता है. डिड यू ओपन द बॉलिंग इन एनी ऑफ द गेम्स? तुम्हारा जो सवाल है ना उसमें थोड़े से डायनेमिक्स भी देखने पड़ेंगे हमें पीसीबी के. जब ये डिसीजन वगैरह लिए गए हैं या इनको वापस लेकर आए ना, देर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट के फ्रॉम द पीसीबी स्टैंड पॉइंट के एक नई मैनेजमेंट आई थी एंड दे वांटेड टू गेट द, आप जिसे कहते हैं ना, एक बेसिकली आपको मीडिया टेंशन मिल गई, आपको एक एक्सेप्टेंस मिल गई फ्रॉम द फैंस के यार के लोग शोर मचा रहे हैं कि इनको लेकर आओ, उनको लेकर आओ, तो उनको लेकर आ जाते हैं. यू नो, विन विन सिचुएशन है. अगर इन्होंने परफॉर्म कर दिया, टीम ने अच्छा कर दिया, तो बोल क्रेडिट हमें मिलेगा. यू नो कि यार हम देखो हम लेकर आए. अगर नहीं परफॉर्म किया और टीम ने अच्छा नहीं किया तो दे विल बी यू नो रबिंग देयर शोल्डर्स के यार के यू नो हमने तो वी डिड आवर बेस्ट. This is the best we got. We got, you know, we did our best. Unfortunately, it didn't work out. So, ये थोड़ा सा जो ना एक political angle इसका है कि यार के you know let's start with fan favorite people. यहाँ पर आपको गालियाँ कम पड़े, यहाँ पर acceptance आपकी ज़्यादा हो, लोग थोड़ा सा you know अब देखें, अब जैसे जब से पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ है ना, देयर इज नॉट अ सिंगल प्लेयर जिसपे लोग बात कर रहे हो कि यार के इसको तो जाना ही जाना चाहिए था. Right. You know, इसको तो टीम में होना ही चाहिए था. एक दो लोगों के बारे में बात हुई कि इनको क्यों नहीं खिला, इनको क्यों नहीं ऐड किया या जो भी, मगर उनके अगेंस्ट में बहुत सारी बात हो गई. नहीं, ये परफॉर्म नहीं करता, ये लाइबिलिटी है, ये है, ये वो है. मगर कहने का मतलब ये है कि दिस इज द बेस्ट पॉसिबल स्क्वाड दे कुड मेक और जो वर्ल्ड कप में हो जा सकता था. जिस तरह इन लोग को जिस तरह से वापस लाया गया ना, वो चीज मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है. बट एज अ प्लेयर दे आर गुड इनफ टू यू नो प्ले फॉर अ शॉर्टर फॉर्मेट फॉर पाकिस्तान. तो और ऑब्वियसली जब आप वर्ल्ड कप वगैरह खेलने जाते हैं ना, तो यू नीड प्लेयर्स आमिर लाइक आमिर एंड इमाद, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, दे कैन कोप अप विद द प्रेशर बेटर देन यू नो सम ऑफ द यंगर गाइज. तो मगर वो जिस हिसाब जिस बैकग्राउंड प्ले के साथ वो लोग वापस आए ना, दैट इज समथिंग दैट आई डोंट यू नो अप्रूव, या मुझे उससे मसला है. डू यू सी पाकिस्तान इन टॉप फोर? यार आई डू सी देम इन टॉप फोर, क्योंकि देखें पाकिस्तान टीम ना इट्स ऑल अबाउट द मोमेंटम. अगर उनको मोमेंटम मिल गया, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये कोई जो है ना इंडिया को पहले राउंड में मार दें और यू नो अनबीटन सेकंड राउंड में चले जाएं. आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये पहले खाएं रगड़ा टाइड वाला, ठीक है? इंडिया से बुरी तरह हारें, कनाडा या आयरलैंड या यूएसए जो है इनको कोई बहुत ही टाइट रगड़ा दे जहां हलक में बात आ जाए. यू नो दैट इज वे दैट वुड बी समथिंग दैट वुड टर्न देम ऑन फॉर द नेक्स्ट राउंड. और फिर जब ये सुपर एट में उस बैगेज के साथ जाएंगे ना कि नहीं यार हमारे लिए हर मैच डू एंड डाई है एंड वी हैव टू मेक इट, दैट्स व्हेन दे विल परफॉर्म द बेस्ट. और यही इन्होंने 2022 वर्ल्ड कप में भी किया था.
दे लॉस्ट अगेंस्ट इंडिया, दे लॉस्ट अगेंस्ट जिम्बाब्वे. जब हलक में बात आ गई, एवरी मैच दे हैव टू विन, यू नो दैट्स व्हेन दे स्टार्टेड परफॉर्मिंग एंड दे एंडेड अप प्लेइंग द फाइनल. तो अगर वो सिचुएशन बनती है तो देन आई डेफिनेटली सी देम इन द टॉप फोर. और अगर वो सिचुएशन नहीं बनती तो देन यू नो आई मीन उनको खुद भी नहीं पता कि वो कहाँ एंड अप करेंगे. आई मीन आप अगर पहले राउंड में ही अगर ये बाहर हो जाए ना, तो आई वोंट बी सरप्राइज, आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि ये पहले राउंड में बाहर हो जाए, क्योंकि जस्ट आई मीन दैट्स हाउ दे प्ले. तो वी नो आर प्लेयर्स के वो किस तरह से यू नो परफॉर्म करते हैं. बट आई थिंक इन ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इस वर्ल्ड कप के बाद ना आई फील लाइक काफ़ी लोगों का करियर विद द पाकिस्तान टीम इज़ गोइंग टू बी इन क्वेश्चन. आई थिंक इफ्तिखार अहमद इज़ गोइंग टू बी दैट वन प्लेयर जिसको आप क्वेश्चन करेंगे इफ़ ही डजेंट परफॉर्म. मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, दे आर नॉट गोइंग टू बी हेयर आफ्टर द वर्ल्ड कप हैज़ एंडेड. आप फ़खर जमान का भी रोल थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ही इज़ एट अ पॉइंट वेयर उसका इम्पैक्ट बहुत नेसेसरी है और वो नहीं डिलीवर करेगा तो आप क्वेश्चन करेंगे. तो आई फील लाइक आफ्टर दिस वर्ल्ड कप अ लॉट ऑफ थिंग्स विल ओपन अप विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. एंड एंड आई फील लाइक के कुछ प्लेयर्स होंगे जो आफ्टर दिस वर्ल्ड कप ड्यू टू बैड परफॉर्मेंसेज आई बिलीव के वो पाकिस्तान टीम के साथ एसोसिएटेड ना हो. इन अदर वर्ड्स, इनमें से जस्ट जस्ट टू मेक इट इजी फॉर एवरीबडी, जो अभी शायान ने कहा कि जुल्लू फिर जाएगा इस वर्ल्ड कप के बाद, जो है ना झाड़ू फिरेगा टाइड वाला, जो नॉर्मली होता है जैसे 2007 में हुआ इंडिया पाकिस्तान के साथ, फर्स्ट राउंड एग्जिट हुई, झुल्लू फिर गया, सब नए लौंडे आ गए, पुराने वाले रिटायर हो गए, घर में बैठ गए. तो वो उसी तरह की कोई कहानी इस बार हमारे साथ हो जाएगी 2024 में. या बिकॉज इंटरेस्टिंग बात होगी, इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप इज गोइंग टू बी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान इफ बीजेपी डज नॉट कम इन टू पावर. वैसे यार क्या सीन क्या है ये, मुझे आइडिया समझ नहीं आ रही. कोई कोई जेशा, जेशा कह रहा हूँ, क्या नाम है यार उसका, जो स्टुअर्ट बिनी वगैरह, स्टुअर्ट बिनी नहीं, रॉजर बिनी, रॉजर बिनी जो आया था उसने कहा था कि यू नो ही इज होपफुल एंड ही इज यू नो आई डोंट नो कि वो स्टेटमेंट्स डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट से या इफ दे हैड एनी ट्रूथ बिहाइंड इट, बट जो जो भी एटमोसफियर चल रहा है, इट साउंड्स लाइक कि पाकिस्तान इंडिया विल नॉट गो. एंड इट साउंड्स लाइक कि इट विल बी अ सिमिलर थिंग दैट हैपेंड इन एशिया कप, बट इट सीम्स लाइक आईसीसी वांट्स इट टू हैपन, बट आई फील लाइक देयर हैंड्स आर टाइड. ओके, सो आई कैन टेल यू द इंडियन मीडिया नैरेटिव. और वो नैरेटिव जो है वो कुड बी, कैसे बोला जाए, बायस तो छोटा वर्ड रहेगा, बायस नहीं, बायस से ऊपर कोई लेवल होता हो तो वैसा नैरेटिव है वो. तो नैरेटिव भाई हमारे यहाँ बहुत क्लियर है कि अगर तो अभी इलेक्शन चल रहे इंडिया में, रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी जून 4th तो वो नैरेटिव तो इंडिया. स्टेरॉइड पे होगा ना, अभी इलेक्शन होने हाँ वाले हाँ नहीं, हैं. हो चुके हैं इलेक्शंस, आई थिंक लास्ट फेज इज डन, नाउ ओ अच्छा काउंटिंग इज अच्छा देयर. हाँ तो 4 जून को हमारे यहाँ अभी यू विल हैव रिजल्ट्स इफ मोदी रिटर्न्स विद सीरियस मैंडेट, मतलब कि भाई उनको कोलिशन गवर्नमेंट वगैरह कुछ करना नहीं है, बीजेपी अपने दम पे सरकार बना रही है. इफ इट कम्स टू इट, किड यू नॉट, दे आर गोइंग टू बी, आई मीन इफ इफ यू सी देम एज मॉन्स्टर्स देन दे आर गोइंग टू बी फार बिगर देन दैट, एब्सोल्युटली. मतलब दे विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. आई डोंट थिंक द करंट इंडियन एस्टैब्लिशमेंट वॉन्ट्स टू डू एनी बिजनेस विद पाकिस्तान. सो इट इज नॉट अबाउट इंडिया कमिंग टू पाकिस्तान और नॉट, दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि चैंपियंस ट्रॉफी बाहर कर. आई थिंक दैट इज वॉट दे विल ट्राई टू डू. दैट इज द इंडियन मीडिया नैरेटिव राइट नाउ. सो 4 जून माइट बी मोर इम्पोर्टेंट टू अ लॉट ऑफ पीपल देन दे रियलाइज. बट इफ दे डोंट कम इन टू पावर देन आई डोंट, बिकॉज जय शाह इज सन ऑफ आर होम मिनिस्टर, राइट? तो एकदम मतलब तार हर जगह से जुड़े हुए इस समय. And they screw, they are tightening the screws on ICC for sure, मतलब without a doubt. रेवेन्यू इतना इंडिया को वापस मिल रहा है इस समय. सो जय शाह फ्रॉम आवर परस्पेक्टिव हैज डन अ फैंटास्टिक वर्क इन कन्विंसिंग ICC कि भाई इंडिया सबसे ज्यादा पैसा देता है तो इंडिया को सबसे ज्यादा शेयर मिलना चाहिए एंड इंडिया की चलनी चाहिए. और हर्षा भोगले ने एक बहुत ब्यूटीफुल सी चीज बोली थी,
कि एवरीवन इन पावर बिहेव द सेम वे। तो भाई, और जिसके साथ पावर होता है वो मॉन्स्टर से बिहेव करता है। तो बेस्ड ऑन दैट एवरीवन, आई होप दैट कोहली विजिट्स पाकिस्तान वंस। उसका जो फैन फॉलोइंग है वहां पे, ही गेट्स टू सी राइट हाउ मच पीपल लव हिम, अडोर हिम, या इंडिया को कैसा लोग ट्रीट करेंगे वहां पे। आई 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 होप दैट हैपेंस विद दिस लॉट ऑफ पीपल। जो पुराना जनरेशन था, दे सॉ इट राइट, गांगुली, सहवाग, सचिन, दे वेंट, दे सॉ व्हाट पाकिस्तान इज ऑल अबाउट। आई होप दैट हैपेंस टू दीज गाइज एज वेल। इट विल बी शेम इन इंटरनेशनल क्रिकेट कि उनको वो पाकिस्तान एक्सपीरियंस मिले ही ना। बट एज फार एज द एस्टैब्लिशमेंट इज कंसर्न्ड, मतलब वो भाई अब उन्होंने कसम खा ली, लड़ाई करेंगे अब करेंगे तो करेंगे, अभी कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। दैट्स द प्रॉब्लम, यार आई दैट्स फील माय लाइक थिंग। आई फील लाइक रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द रिजल्ट्स कम आउट ऑन जून 4th, मुझे आई डोंट रियली सी इंडिया कमिंग एट ऑल. क्योंकि अगर आप थोड़ा सा उसका पॉलिटिकल एंगल भी देखें ना, तो बेसिकली आप अगर इंडिया हैं फॉर राइट एंड यू आर रनिंग द शो बेसिकली हैंड्स डाउन, तो और जब आपकी सुनी भी जा रही है एंड यू हैव यू यू आर द बेसिकली द शॉर्ट स्कॉलर, तो इंस्टेड ऑफ यू यू नो मेकिंग अकोमोडेशंस एंड हेल्पिंग अदर्स, व्हाई वुड यू नॉट यू नो कॉल अ शॉट एंड से गया चलो लेट्स गो टू यूएई एंड प्ले देयर, यू नो वी दिस डोंट इज वांट वॉट टू. आई फील माइट जस्ट हैपन। मतलब मुझे यही लगता है कि दे विल ट्राई टू डू समथिंग लाइक दैट। अभी तक उन्होंने नहीं किया बिकॉज आई एम श्योर बिकॉज ऑफ इलेक्शंस, बिकॉज इलेक्शंस आर हैपनिंग। वंस इलेक्शंस आर डन, आई अश्योर यू, जो भी, अगर इफ मोदी इज नॉट देयर एंड देर इज अ न्यू गवर्नमेंट विच इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ एनी उल्टा पुल्टा चीज, देन दे विल ट्राई टू गिव वर्ल्ड अ न्यू इमेज राइट। क्योंकि वो न्यू उसका इमेज, हाँ जस्ट थोड़ी सी मैं बात तुम्हारी काट रहा हूँ, हाँ क्योंकि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है ना अभी हाँ करंटली, दे डोंट हैव द यार क्या शरीफाना तरीके से मैं कह नहीं सकता, बट ये कि दे लैक द लीडरशिप क्वालिटीज, यू नो जस्ट टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल. तो उसके अंदर ना दे वोंट बी एबल टू टेक एनी स्टैंड व्हाट्सोएवर. सही है, आप ये जितनी बढ़ के मार लें टीवी पे बैठ के कि जी के बस हाँ इंडिया आए या ना आए हम तो चैंपियंस ट्रॉफी कराएंगे और हम ये करेंगे हम वो करेंगे, यार आपसे एशिया कप हुआ नहीं है आप चैंपियंस ट्रॉफी कराएंगे. सही है, और चैंपियंस ट्रॉफी करा के आपने इंडिया के बाहर बिठा के आप पैसे कैसे बनाएंगे, यानी कि आप आई मीन यू हैव टू थिंक यू नो इन दोज टर्म्स एज वेल. तो हम इंडिया ने जो भी स्टैंड लिया ना, हमारे वालों ने, हमारे वालों की टॉप टू बॉटम ऐसी लीडरशिप है ही नहीं कि वो अपोज करें इंडिया के स्टैंड्स को, एंड देन दे इवेंचुअली दे विल गिव इन, दे विल से कि हाँ ठीक है राइट, बस सही है, हम सारे गुडी गुडी बन के यूएई जाते हैं और वहां जाके खेलते हैं और शेखों को खुश करते हैं, बस ये अल्टीमेटली होगा यही. यार यस, इट्स अ शेम, मतलब कि ना हो ऐसा, एंड आई अग्री विद यू, बट ट्रस्ट मी, जो जो इफ इफ द गवर्नमेंट चेंजेस, उनको अपना, मतलब उनको भी तो कुछ रहेगा ना, हमने कुछ अच्छा किया है, तो वो अच्छा करने का पार्ट कुड वेरी वेल बी कि हमने टीम को वहां भेज दिया है। माइट माइट एज वेल बी, बट फॉर नाउ आई थिंक दे हैव मेड नो कॉमेंट्स इन बीसीसीआई कि इंडियन टीम जाएगी कि नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि भाई सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट क्लियरेंस है, गवर्नमेंट क्लियरेंस मिलेगा। अब बिकॉज इलेक्शंस हैव टू बी देयर एंड 2025 की बात है ये, सो आई एम नॉट रियली श्योर कि मतलब वही है कि अभी लेट्स सी, इट्स अ पॉलिटिकल, एक्चुअली बिकॉज इट इज अ पॉलिटिकली ड्रिवन टॉपिक, तो देखते हैं इंडिया में क्या चेंज आता है एंड एंड व्हाट हैपेंस। सो वी शुड हैव समथिंग विद इन कपल ऑफ डेज कैसा होता है। तो वैसे भी इंडिया बीजेपी क्या कहते हैं रिजीम में कभी भी वर्ल्ड कप जीती नहीं है। यार वैसे एक सवाल है कि आपने कहा कि जून 4th को रिजल्ट आ रहा है राइट, और जून 5th को पहला मैच है, तो रिजल्ट इम्पैक्ट तो नहीं करेगा टीम परफॉर्मेंस भाई रिजल्ट बिल्कुल कर सकता है, पे? बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड। मतलब इट्स अ मोर, मतलब हंसी मजाक में ले लिया हमने ये, लेकिन
कभी कभार ना देख करके कि स्पोर्ट्समैन क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं, दे आर नॉट नेसेसरली लिबरल इन द थॉट्स। क्योंकि एक बार मुझे याद है, आई थिंक पुलवामा का जब अटैक हुआ था यहाँ पे, तो थिंग बिटवीन बोथ द कंट्रीज वर रियली बैड। तो युजवेंद्र चहल से किसी ने पूछ लिया, ऐसे ही मुंह में माइक लगा दिया उसके, उसको कह दिया कि अब पाकिस्तान ने ऐसा किया है, क्या करना चाहिए। तो चहल बोल पड़ा, अब तो आर पार लड़ाई हो जानी चाहिए। मतलब व्हाट डू यू मीन आर पार लड़ाई हो जानी चाहिए? मतलब व्हाट यू वांट, यू वांट अ वॉर, यू वांट, व्हाट यू वांट? तो दिस इज व्हाट आई फील। हमारी क्या बोलते हैं, टॉप बैडमिंटन प्लेयर थी आई थिंक साइना नेहवाल, शी ज्वाइन बीजेपी अबाउट 3-4 years बैक। तो Everyone does not see BJP the way the world would be seeing BJP, or absolutely Pakistan would see BJP, right? But let's see, it's a very touchy topic to me personally, कि लोग actually world over लोग कितना right winged होते चले जा रहे हैं day by day, that has an impact. और कभी कभार उनके points make sense also, कि भाई if Indian government, let us suppose कि Indian government का perspective बहुत clear है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी आती है, एक बार कोई चीज मान लेते हैं कि okay, this is what they are standing for. तो अगर ये बात एक बार को मान ले कि सच है, then they have the right to say कि भाई जब तक militancy खत्म नहीं होती है, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है, which is okay. अब डिबेट हो सकते हैं कि मिलिटेंसी है, कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा रहे हैं, कि खुद के लोग को मरवा रहे हैं, कि एक्चुअली ये ऑल दोस डिबेट्स कैन हैपन। लेकिन अब वो एक नैरेटिव बोल रहे हैं, तो वो नैरेटिव पे उनका हक है कि एक्ट कर जाना। अगर वही ये गवर्नमेंट डिप्लॉय करते रहती है कि बार बार ऐसा है, उसके बाद फिर हमारा पीएम क्या बोलते हैं, नवाज शरीफ की बिटिया की शादी में पहुंच जाता है प्लेन लेकर के। सो आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग, बट यस, इफ द इंडियन रेजिम चेंजेस, देन यू सी अ डिफरेंट, यू विल सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ, क्योंकि उनको भी कुछ प्रूव कराना कि जो ये कर रहे थे वो गलत कर रहे थे, वो वाली थ्योरी है। इट इज नॉट कि सही क्या गलत क्या है, द थ्योरी इज कि जो पुरानी गवर्नमेंट ने किया है हम तो मान के चले, उन्होंने तो गुड ओवर किया ही है, तो अब नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू टू मेक इट राइट, सो लेट्स डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट दे वर डूइंग। आई थिंक तो वो ऐसे भी चीजें होती एक है। चीज़ और भी है ना कि पाकिस्तान की जो अभी करंट गवर्नमेंट है, नवाज लीग, मुस्लिम लीग नवाज जो है, हिस्टोरिकली देव बिन फ्रेंडली विद इंडिया। इंडिया उनकी आई वुडेंट बी सरप्राइज के कंसिडरिंग के जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चल रहा है विद इमरान खान एंड एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑल दैट, आई वुडेंट बी सरप्राइज के इंडिया किसी कोई बैकडोर चैनल में कोई डील हो जाए कि हम इंडिया आ जाएगी, लाहौर में टिकेगी, वाघा बॉर्डर से आएगी, वाघा बॉर्डर चली जाएगी। बट आई फील लाइक कि ये ऐसा डिसीशन होगा, अगर हो जाता है ना, तो फिर आई डोंट नो अबाउट हाउ व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट विल हैव पॉलिटिकली इन इंडिया, बट पाकिस्तान में इट विल चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी सिग्निफिकेंट इन पाकिस्तान परस्पेक्टिव। हाँ, क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट है, आई थिंक इफ दे आर एबल टू ब्रिंग इंडिया इन, तो भाई इट मीन समथिंग। मतलब एटलीस्ट उनके डिप्लोमेसी तो तगड़ी है, ये यू हैव टू गिव इट टू देम, कि पॉलिसीज कैसे भी बनाते हो, लोगों का कुछ भी हो रहा हो, लेकिन द डिप्लोमेसी सो स्ट्रांग, दे वर एबल टू कन्विंस इंडिया टू कम। और इंडिया एक बार को बोल देना, आई थिंक इट्स नॉट इंडिया पर से, एक्चुअली बीसीसीआई, द राइट वर्ड ओवर हियर इज बीसीसीआई। इफ बीसीसीआई टेल्स पाकिस्तान कि बॉस वी वांट एवरीथिंग डन एंड फाइनल टू बी इन लाहौर, एंड वी कम वी प्ले ऑल द गेम्स देयर, और फाइनल पहुंचे तो भी लाहौर में होगा, आई थिंक हंसी खुशी शायद एक्सेप्ट भी कर लें कि ओके वी कैन अकोमोडेट दिस वन, ये है, ओके इट वर्क्स। सो आई थिंक देखते वो हैं वही बात हाउ है हाउ इट जो ऑल वर्क्स आउट। जो हमारी इंतजामिया है ना, जो हमारी गवर्नमेंट है, इट्स दे आर वेरी अकोमोडेटिंग एंड इट कैन बी अ गुड और राइट गुड और बैड थिंग। वो बेसिकली दे वांट टू गेट थिंग्स डन क्योंकि उनकी अपनी ऑप्टिक्स ऐसी लाइन में लगी हुई है ना कि दे विल ट्राई टू गेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग डन टू पुश देयर ऑप्टिक्स आउट। समटाइम्स करप्ट गवर्नमेंट्स आर एबल टू पुल फ्यू थिंग्स ऑफ बिकॉज दे हैव, हाँ मतलब इट्स अ फनी थिंग, लेकिन दे आर एबल टू पुल ऑफ सम थिंग्स, क्योंकि उनके मोरालिटी और एथिक्स लाइन में नहीं आते। टेक्निकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान
क्रिकेट मुस्लिम लीग नवाज के अंडर ही आई थी। जिम्बाब्वे का जो टूर हुआ था इट वाज अंडर नवाज शरीफ। तो देयर यू गो. तो बट खैर नवाज शरीफ एंड मिस्टर 10% इज द अदर गाय. या वो नजम सेठी। नजम सेठी इज नॉट. अच्छा नजम सेठी इज हिज पर्सन यू मीन टू से. नजम सेठी इज 10%। नजम सेठी सॉरी सॉरी जरदारी जरदारी इज 10%। आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी मतलब मैं का हां गिरे चुनी तो चीजें होती है भाई. नजम सेठी इज चिड़ी मास्टर. ये चिड़ी मास्टर या सो सो बट चले इसी के साथ साथ हमारा पहला इंडिया पाक इंडिया वर्सेस आयरलैंड का प्रीव्यू एंड पाकिस्तान वर्सेस यूएस का प्रीव्यू खत्म होता है। इंडिया विल बी प्लेइंग अगेंस्ट आयरलैंड जून 5th एंड पाकिस्तान विल बी प्लेइंग ऑन जून 6th। बेस्ड ऑन हाउ दे गो वी विल हैव अ डेफिनेट आइडिया ऑफ व्हाट काइंड ऑफ टीम दे विल बी प्लेइंग इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम एज वेल। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। हम लोग इजाजत दें, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।